नमस्कार, आप देख रहे हैं जेम से लाइव। आज हम हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के राजनीतिक विभाग द्वारा जो धारा 370 पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उस पर हम प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी व जो पूर्व कुलपति हिमाचल प्रदेश के हैं प्रोफेसर केजी अग्निहोत्री जी से खास मुलाकात करेंगे। आइए, आज हम धारा 370 हटने के बाद भारत की सामरिक स्थिति है वो विश्व पटल पर कैसे मजबूत हुई है, इस विषय पर आपका विचार चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही है कि 370 कुछ लोग कहा करते थे कि जम्मू कश्मीर के लोग 370 के खिलाफ हैं। मैं कहा करता था कि 370 ही जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है। 370 के कारण जम्मू कश्मीर की घेराबंदी हो चुकी थी, अब वो घेराबंदी टूट गई है और जम्मू कश्मीर को भी एक प्रकार से बाकी प्रांतों के बराबर विकास करने का अवसर मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात, जो भारत सरकार का शुरू से ही पॉलिसी मैटर था कि हिंदुस्तान को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया जाए, इसलिए जितने प्रांत बने थे लैंग्वेज के आधार पर बने, तमिल के आधार पर तमिलनाडु, लेकिन दो प्रांत ऐसे थे जिनको भारत सरकार ने छोड़ दिया था, एक पंजाब को, एक जम्मू कश्मीर को। और पंजाब को भी 1966 में रीऑर्गेनाइज किया गया भाषा के आधार पर, जम्मू कश्मीर को इससे बाहर रखा गया और जिसके कारण जम्मू कश्मीर का बड़ा नुकसान हुआ। अब आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है, भोटी भाषा के आधार पर लद्दाख का निर्माण कर दिया गया है, डोगरी और कश्मीरी भाषा के आधार पर जम्मू कश्मीर का निर्माण कर दिया गया है, इसलिए इन भाषाओं की उन्नति भी होगी और ये दोनों प्रांत जो हैं अपने सांस्कृतिक उत्सव से भी जुड़ेंगे। और सामरिक दृष्टि से जब तक लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था तो लद्दाख में विकास नहीं हो रहा था और लद्दाख में लोग असंतुष्ट थे। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो सीमांत प्रदेश है वहाँ मैक्सिमम विकास होना चाहिए, लोग संतुष्ट रहने चाहिए और अब भारत सरकार ने वहाँ विकास का काम भी शुरू किया है, लोगों की समस्याओं से निपटने का काम भी शुरू किया है। सामरिक दृष्टि से इसको बहुत बल मिलेगा और आर्टिकल 370 हटने से बहुत बड़ा लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।